मैं आकांक्षा सेठी, इस संगठन में किस पद पे है? मैं यहाँ पे स्टार्टर हूँ। आई हैव स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, हमने शुरू करा था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि मैम ने जैसे बताया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं। अब हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यू ईयर की, इसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, जैसे कि ओल्ड एज होम में हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, प्रिजनर कैदियों के लिए कुछ करेंगे, उसके अलावा एनिमल्स के लिए हम करते आ रहे हैं और ऐड ऑन करेंगे, उसमें गरीबों के लिए करेंगे, जैसे उनको सामान प्रोवाइड कराना, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है आज की डेट में, तो उनको हम कुछ, हाँ हम पूरे बरेली को नहीं सुधार पाएंगे ये मैं जानती हूँ, पर एटलीस्ट हम कुछ करेंगे कि हम कुछ चेंज कर पाएँ अपनी सोसाइटी में। तो हमारी कोशिश यही है कि हम थोड़ा सा जो भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, हम सब मिलके, हमारे साथ सारे अच्छे लोग, अच्छी फैमिली से जुड़े हुए हैं, जी जी बिल्कुल, उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। हमने ये काम किया है, संजय नगर एरिया हमने कवर किया है, वहाँ की गर्ल्स को पढ़ाया लिखाया, एम्प्लॉयमेंट दिया, हमने उन्हें एग्जीबिशंस में प्रमोट किया उनके प्रोडक्ट्स। हमारा यही रोल रहेगा, हमें और लड़कियाँ लोग ऐसे मिलें, ज़रूरी नहीं है गर्ल बॉय भी हो, अगर गरीब हो उसके पास कोई नहीं है उसे सेटल करने के लिए, अगर हमें मिलते हैं ऐसे बच्चे तो हम उन्हें प्रमोट ज़रूर करेंगे, उन्हें सामान प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनका आगे फ्यूचर अच्छा हो। ऐसे बहुत लोग आप देखते हैं जैसे बलून बेच रहे हैं, बच्चों के रैकेट्स बने हुए हैं, कोई उनसे काम करा रहे हैं गलत, तो हम चाहेंगे कि वो बच्चे हमें हमारे पास आएँ, अगर हम उन्हें कुछ जॉब्स दे सकते हैं अपने अपने शॉप्स में, सब बिजनेस बैकग्राउंड से हैं यहाँ पे, कहीं भी हम उन्हें प्लेस कर सकते हैं, तो हम अपना पूरा योगदान देंगे। बस हम यही सूचना देना चाहते हैं, मीडिया को हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया, हमारे पास आए आप सब इतने लोग। दूसरा, आप हमारा मैसेज देखिए, वेट देखिए, वेट ओके, सब लोग नॉर्मल, लाइक दिस, ओके देखिए, वेट वन मोर, क्या यह देखिए, अंकिता अग्रवाल कर्तव्य एनजीओ से। आज क्या प्रोग्राम? आज ये हमारा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है कर्तव्य का, तो उसके लिए आज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है हमारी। संस्था के द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? संस्था के द्वारा बहुत कार्य किए जा रहे हैं, गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है फूड, क्लोदिंग, और बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ओल्ड एज होम्स में होते हैं, ऑर्फनेजेस में होते हैं, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स के लिए हम लोग काम करते हैं और बहुत सारे। अभी हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसमें हमने एक गरीब लड़की के शादी के लिए उसका बहुत सारा सामान उसको प्रोवाइड किया है, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, तो यही सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। ये संस्था हमारी 2019 से चल रही है, दिस इज़ आर फोर्थ ईयर, ये हमारा चौथा साल है। इस बार नया क्या है? इस बार नया ये है कि इस बार हमारे साथ बहुत ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक लोग और शामिल हुए हैं हमारी संस्था में, तो हमारा जो ग्रुप का नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ के 55 हो गया है। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम और अच्छे से ही काम करेंगे। इसमें हमारा ये है कि हम पढ़ाई से रिलेटेड जो भी स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं उनको हम पढ़ाई से रिलेटेड उनको जागरूक करते हैं, कि उनको चाइल्ड लेबर के बदले उन्हें पढ़ाई के लिए जागरूक करते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं कि वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी एग्जीबिशंस में अपने कर्तव्य का प्रचार किया था, जो कि उन्होंने हमें अपनी साइड से ही इनवाइट किया था। तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं, तो उनको हमने साधन प्रोवाइड कराए जिससे कि वो अपनी जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जो कला है, वो उनकी आगे निकल कर आए, और जिससे उनको भी बेनिफिट हो, उनकी फैमिली को भी बेनिफिट हो, और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब्स मिले, और वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में, महिला सशक्तिकरण। वेरियस लोकेशंस ऑफ बरेली लाइक स्टेशन, डीडीपुरम, संजय नगर एंड अदर रिमोट एरियाज, वी प्रोवाइडेड ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स, फुटवेयर, बेडशीट्स एटसेट्रा टू द नीडी एट वेरियस प्लेसेस। वी गेव एम्प्लॉयमेंट टू 10 to 15 गर्ल्स ऑफ बरेली बाय प्रोवाइडिंग देम the raw material to take to make these spices which some of the members have tasted, but I would can be little bit sahi hai, theek hai, aa rahe hain, ek second members aur aa rahe hain।